ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ ಓರೆ ಕೊಯ್ ಬಿಡ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम, एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों गेस करें आज हमारी गांव की बैठक पे लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्योंकि आज है यहाँ पे सेहराबंदी। हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह आज शादी है। शाम के 6 बजे का टाइम है। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे प्यारे गांव में सेहराबंदी कैसे की जाती है। बरगद के इस बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं लोग। दोस्तों कुछ तो अपने गांव वाले हैं और कुछ दूल्हे के दोस्त अहबाब आए हुए हैं। हमारे प्यारे कज़न की दुकान वहां पे खुली हुई है, बाकी आइसक्रीम और कुल्फ़ी वाले भी आए हुए हैं। आए हुए मेहमानों के लिए ज़रदा तैयार किया जा रहा है, जो कि कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। कोयल की काफ़ी मधुर सुरीली आवाज़ भी आ रही है। मस्जिद के सहन में दोस्तों निकाह हो रहा है। अब हम ज़रा अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ निकाह कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे ये सारे गांव वाले बैठे हुए हैं और निकाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। गांव के बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं। दूल्हा भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। निकाह के बाद इंशाल्लाह फिर सेहराबंदी की तरतीब की जाएगी। गपशप कर रहे हैं आपस में सारे लोग। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों खैर से निकाह पढ़ाया जा चुका है और अब कुछ ही देर बाद दूल्हे का ड्रेस चेंज किया जाएगा और उसे सेहरे पहनाए जाएंगे। ये सामने दोस्तों देगे सुबह के लिए रखी हुई है। काफ़ी खुश्क लकड़ियों का इंतज़ाम किया गया है। कल इंशाल्लाह तकसीम ताम है, यानी कि हर बंदे को उनके बर्तनों में सालन और रोटी दी जाएगी। जर्दे की सारी देगे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हैं, सिर्फ आखिरी देग के नीचे आग जल रही है। दोपहर के टाइम दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा हो गया है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छा गए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं ना, लोग सफ़ेद कपड़े और पगड़ियों वाले, रात के वक्त इंशाल्लाह बलूचिसराय की झूमर का इंतज़ाम है, तो ये इसी लिए आए हुए हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काफ़ी प्यारा माहौल बना हुआ है सेहराबंदी का। दोस्तों अगर मैं आपको हमारे यहाँ जो शादियों की तरतीब है वो ज़रा बताऊँ, तो हमारे यहाँ शाम के 5-6 बजे सबसे पहले निकाह पढ़ाया जाता है और निकाह के फौरन बाद सेहराबंदी की तरतीब की जाती है। सेहराबंदी के फौरन बाद आए हुए जितने भी मेहमान हैं उनमें खाना तकसीम किया जाता है। उसके बाद रात का फंक्शन शुरू होता है। रात के फंक्शन को मकामी ज़बान में जागा कहते हैं और फिर सुबह तकसीम ताम होता है या तो फिर दावत वलीमा। इस तरह हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह खैर से पढ़ाया जा चुका है और अब अल्लाह पाक से दुआ मांगी जा रही है और दुआ के फौरन बाद इंशाल्लाह दूल्हे का ड्रेस चेंज किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों तेल निकाला जा रहा है, अब दूल्हे के सर पे तेल लगाया जाएगा।
यहाँ पे दोस्तों काफी गहमा गहमा होती है। खुदा का रास्ता ही हो अल्लाह। और अब हम भी दूल्हे को कर लगाएंगे। यहाँ पे काफी रश हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तेल की रस्म मुकम्मल हो गई है। दूल्हे मियाँ को तेल लगा दिया गया है। कपड़े भी सारे आप देख रहे हैं कि खराब हो गए हैं दूल्हे मियाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दूल्हे मियाँ का ड्रेस चेंज किया जा रहा है। तेल की रस्म बड़ी ही दिलचस्प होती है यहाँ पे। तेल को जरा साफ किया जा रहा है। खुशी का समय है। अल्हम्दुलिल्लाह गांव का हर बंदा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई कपड़े चेंज कर रहे हैं उसे लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। इन भाई साहब को कमी डोब या भंड कहते हैं मकामी जबान में। वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कमीज पहनाई जा रही है दूल्हे भाई को। काफी यहाँ पे मजाक किया जा रहा है दोस्तों। अक्सर नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं, बस्ती के बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, दूल्हे को व्हाइट कॉटन का ड्रेस पहना दिया गया है और अब सेहरे पहनाए जा रहे हैं। सारे गांव वाले एक एक करके दूल्हे भाई को सेहरे पहना रहे हैं। फोम स्प्रे दोस्तों बहुत ज्यादा किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फबारी हो रही हो, जैसे स्नो फॉल हो रही हो। दूल्हे मियाँ की हालत देखें दोस्तों। अब पैसे डाले जा रहे हैं, छोटे बच्चे पैसे लूट रहे हैं। काफी ज्यादा शोर है यहाँ पे दोस्तों। सबको खून स्प्रे से भर दिया गया है। दूल्हे के भाई और अंकल पैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों निछावर कर रहे हैं, और छोटे बच्चे काफी एक्टिव हैं पैसे लूटने के लिए। ये दूल्हे मियाँ के भाई हैं। ये
दूल्हे मियां के वाले साहब काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और अब दोस्तों बेल दी जा रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सेहरा दूल्हे के वाले साहब दूल्हे को डालने जा रहे हैं। सोम ने दोस्तों काफी माहौल को अजीब गरीब कर दिया है। फिर से फूम की बरसात शुरू हो गई है। काफी गहमा गहमी है यहाँ पे। और अब आखिर में दोस्तों सबसे बड़ा सेहरा दूल्हे के जो वाले साहब हैं उन्हें पहना रहे हैं। ये सेहरा तो दूल्हे की हाइट से भी बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सब ने दूल्हे को सेहरे पहना दिए हैं और अब वेल डाली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारी रस्में मुकम्मल हो गई हैं और अब बारात जा रही है दुल्हनिया के घर।
व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराक्रम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।